23 जनवरी साल 2018 स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 48वां अधिवेशन चल रहा था। इसी अधिवेशन में देश के कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन और सीईओज का प्रतिनिधिमंडल भी गया था। इसी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था वो शख्स जो आज देश के एक बड़े घोटाले का मध्य बिंदु बना हुआ है। ये शख्स कोई और नहीं, ये शख्स था ज्वेलरी ब्रांड नीरव मोदी ग्रुप का मालिक नीरव मोदी। इस शख्स की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 90 के दशक में महज 3500 रुपए महीने से अपना करियर शुरू करने वाले नीरव मोदी का हीरों का कारोबार ऐसा चमका कि साल 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे अरबपतियों की सूची में शामिल किया। लेकिन ये नाम लाइमलाइट में तब आया जब PNB की मुंबई स्थित एक ब्रांच ने हजारों करोड़ों रुपए के फर्जी बाड़े के लिए नीरव मोदी ग्रुप और गीतांजलि जेम्स जैसी बड़ी कंपनियों को जिम्मेवार ठहराया। ये घोटाला पूरे 11,300 करोड़ रुपए का था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि PNB की इस ब्रांच से इतने हजारों करोड़ों का घोटाला होता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या और किस तरह बैंकिंग सिस्टम के एक लूप होल का फायदा उठाकर इतने हजारों करोड़ों रुपए की चपत बैंक को लगाई गई। इस मामले की कड़ियां खुलनी शुरू हुई 16 जनवरी को जब डायमंड कंपनियों की एक पार्टनरशिप फर्म डायमंड आर यूएस ने मुंबई में स्थित PNB की ब्रेडी ब्रांच को बायर्स क्रेडिट के लिए अप्रोच किया। इस फर्म में नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी और उनके भाई निश्चल मोदी पार्टनर हैं। उस दिन इस फर्म के अधिकारी सभी इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक ब्रांच पहुंचे और उन्होंने विदेश में बैठे अपने सप्लायर को पेमेंट करने के लिए बायर्स क्रेडिट मांगा। बायर्स क्रेडिट असल में बैंक द्वारा इम्पोर्टर को दिया जाने वाला एक शॉर्ट टर्म लोन होता है ताकि वो विदेश में बैठे अपने सप्लायर से माल खरीद सके। इसे अब आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मुंबई में स्थित एक हीरा कारोबारी को विदेश से हीरे खरीदने हैं यानी इम्पोर्ट करने हैं। इसके लिए वो मुंबई के किसी बैंक की ब्रांच में जाएगा और बायर्स क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन देगा। इस एप्लीकेशन को सभी प्रोसीजर्स के जरिए चेक करने के बाद बैंक उसे एक लेटर जारी करेगा जिसे विदेश में स्थित बैंक को भेजा जाएगा। ये लेटर मिलने के बाद विदेश में स्थित बैंक लेटर देने वाले बैंक की गारंटी पर नेस्ट्रो अकाउंट में पैसा डाल देगा। ये नेस्ट्रो अकाउंट एक तरह का बैंक खाता होता है जिससे फॉरन ट्रांजेक्शन होती हैं। इसी नेस्ट्रो अकाउंट से सेलर को पेमेंट हो जाएगी और ये जो लेटर बैंक जारी करता है इसी लेटर को कहा जाता है LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब वापस आते हैं इस घोटाले की तरफ। 16 जनवरी को जब फर्म द्वारा LOU की बैंक से डिमांड की गई तो बैंक ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके नाम पर कोई भी लोन सेंक्शन नहीं है। बैंक ने उस वक्त फर्म को LOU के बदले 100% मार्जिन प्रस्तुत करने की बात कही। 100% कैश मार्जिन का मतलब है कि जितने पैसे का उन्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए उतने पैसे वो बैंक में जमा करवाएं। लेकिन फर्म के अधिकारियों ने बैंक से कहा कि वो बिना कैश मार्जिन के भी LOU लेते रहे हैं। तो बैंक ने इस पर अपने रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन पहले नहीं हुई है। इसी बात पर बैंक अधिकारियों का माथा टनका और उन्होंने अपने सभी रिकॉर्ड्स को थॉरली चेक करना शुरू किया। बस इसी चेकिंग के दौरान 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस जांच में पता चला कि साल 2011 में नीरव मोदी ग्रुप और बाकी डायमंड फर्मों को PNB की मुंबई ब्रांच के ही फॉरेक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने बैंक के एक कर्मचारी मनोज खरात के साथ मिलकर फर्जी LOU जारी किए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS में इसकी एंट्री दिखाई ही नहीं। इन्हीं LOU के आधार पर एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और बाकी भारतीय बैंकों की फॉरन ब्रांचेज ने सेलर को डॉलर्स में पेमेंट की जो लगभग 1.77 बिलियन डॉलर बनती है। और जिन फर्मों के लिए ये भुगतान किया गया वो सभी फर्में नीरव मोदी ग्रुप से संबंध रखती हैं। हालांकि सोचने वाली बात ये है कि ये घोटाला आखिर इतने सालों तक पकड़ में क्यों नहीं आया। ये घोटाला असल में एक स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली के जरिए रचा गया था। अब आपको बताते हैं कि ये स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली आखिर होती क्या है। ये एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क होता है और दुनिया के हर बैंक के पास एक स्विफ्ट कोड होता है जिसके जरिए एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है। बैंक द्वारा इन स्विफ्ट कोड्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि सूचना का आदान प्रदान सिक्योर मोड में हो सके। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली महज एक फैक्स मशीन की तरह होती है जो CBS यानी कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी नहीं होती।
यानी अगर स्विफ्ट के जरिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसी बैंक को भेजा जाता है तो उसकी एंट्री बैंक के CBS में नहीं होती। बस इसी लूप होल का फायदा नीरव मोदी ग्रुप और बाकी फर्मों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर उठाया। उन्होंने विदेशों में स्थित एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और बाकी भारतीय बैंक की विदेश ब्रांचेस को LOU तो भेजे, लेकिन उसकी एंट्री PNB के बैंकिंग सर्वर में दिखाई ही नहीं। खैर, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि LOU के एवज में भारतीय बैंकों की विदेशी ब्रांचेस द्वारा की गई पेमेंट को भी RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक 90 दिन के अंदर PNB से रिकवर कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन इन बैंकों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये घोटाला अब तक छुपा रहा। खैर, नीरव मोदी अब तक CBI की पहुंच से बाहर है और ताज़ा खबरों के मुताबिक ये धोखाधड़ी महज PNB बैंक के साथ ही नहीं हुई, बल्कि ये धोखाधड़ी और देश के 17 बैंकों के साथ हुई है, जो लगभग 3000 करोड़ रुपए की और बनती है।